खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। आमला, बीते दिनों जम्मू के पुलवामा में भारतीय सैनिकों पर हुए आतंकी हमले से जहां समूचा भारतवर्ष गहरे रोष में है, वहीं चहुंओर विरोध प्रदर्शन के साथ साथ भारतीय शहीद सैनिकों के सम्मान में श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन हो रहा है। हम बात कर रहे हैं बैतूल जिले के आमला की। यहां बीते दिनों सेना पर हुए आत्मघाती हमले को लेकर लोगों का आक्रोश चरम सीमा पर है। लगातार जगह जगह लोग आतंकवाद का पुतला फूंक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते देखा जा रहा है। गौरतलब हो कि शनिवार को यहां के पिरमंजिल चौक से मुकेश राठौर की अगुवाई में युवाओं ने जबरदस्त मशाल जुलूस निकाला। बाद में यहां के जनपद चौक पर हल्ला बोल प्रदर्शन कर आतंकवाद के विरोध में नारेबाजी भी की गई। इस दौरान युवा कश्मीर से धारा 370 हटाने एवं दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की मांग भी भारत सरकार से कर रहे थे। प्रदर्शन के दौरान युवाओं का आक्रोश देखते ही बन रहा था। बाद में नीलेश राठौर के नेतृत्व में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन थाना प्रभारी को सौंपा गया। उधर उपनगरी बोड़खी में भी आमला पत्रकार संघ अध्यक्ष शरद पप्पू जायसवाल की अगुवाई में बोड़खी बाजार चौक से टंडन कैंप गेट तक कैंडल मार्च निकाला, वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। खबर समय जगत के लिए आमला से जिला प्रतिनिधि हरि प्रसाद गोहे की रिपोर्ट। समय जगत, एक संदेश पूरा देश।